चंपा और बांस की कहानी है, जो भाई और बहन है वो दोनों। तो आइए सुनते हैं। बहुत दिनों पहले एक राजा रहता था। उनकी दो रानियां थी। दोनों रानियों निसंतान थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे। राजा सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। दोनों रानियां भगवान से विनती करते रहने पर फिर भी दोनों रानियां माँ नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, क्यों न उन्हें राजा के दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुला लाओ। वे महात्मा जब महल में पहुँचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी, और छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिन बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुँचते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसकी वक्त खबर पहुँच गई कि राजा पिता बनने वाले हैं। पूरे राज में लोग खुशियाँ मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी। सोच रही थी कि अब रानी का इतना आदर न जाने बच्चा होने के बाद कितना ज़्यादा आदर हो। छोटी रानी बहुत ही घबरा रही थी। उसने राजमहल की दाई को बुलाया भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय पर रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रख कर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास तो दो पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा, उसे बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है? उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी दो पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है? दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर हुए हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने दो चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में दो बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर देखा तो बच्चों को जब देखा, तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वहीं झांपी रख कर दोनों महल में वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास आसपास में उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे नज़दीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा, क्या हुआ चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा,
चंपा तुम बहुत लंबे हो जाओ और उसे तोड़ने मत देना। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रह गए। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। सैनिकों ने कहा आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे चंपा ने कहा ए भैया बांस। बांस ने कहा ए क्या बहन। चंपा ने कहा राजा के सेनापति फूल तोड़ने फिर से आए हैं। बांस ने कहा तुम बहुत ऊपर फिर से चले जाओ, वो तोड़ नहीं पाएंगे। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और ऊँचे तक चला गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुँचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। भैया बांस। बांस ने कहा बहन चंपा राजा के मंत्री फूल तोड़ने फिर से आ रहे हैं, तुम ऊपर फिर से चली जाओ। मंत्री जी ने जैसे ही पेड़ तक पहुँचे पेड़ और ऊपर तक जा पहुँचा। मंत्री जी सीधे पहुँचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा इतना घबरा क्यों गए हो। मंत्री ने कहा आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी बात सुनकर राजा ने कहा मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वहीं दो सिपाही पहुँचे जिन्हें उन बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए थे, छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्द ही तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजी थी ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों के पास सुनाई और राजा छोटी रानी जब जाने लगे उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही सब पास पहुँचे भैया बांस। बांस ने कहा हाँ क्या बहन। चंपा ने कहा छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आ रहे हैं, तुम फिर से ऊपर चली जाओ, वो लोग तोड़ नहीं पाएंगे। राजा दोनों पैरों के पास पहुंचकर पूछने लगे क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो। उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा भैया बांस। बांस ने कहा क्या बहन। चंपा ने कहा हमारी माँ आ रही है, दुखियारी माँ आ रही है फूल तोड़ने। बांस ने कहा बहन पांव पर जाओ माँ का। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कहा अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रहे थे, ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी दोनों के बीच करीब पहुँच कर दोनों से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसू ने चंपा और बांस को छुआ चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा बजने लगे, पूरे देश में खुशियाँ फैल गई। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।